हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में तो हैंड वॉशिंग में जो नर्सिंग में हम स्टडी करते हैं उसमें हैंड वॉशिंग के सेवन स्टेप्स होते हैं और इन सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आता है स्टेप वन स्टेप वन में आता है रब टुगेदर यानी कि हथेलियों को हथेलियों से रगड़ कर साफ़ करना सेकेंड स्टेप आता है रब द बैक ऑफ द बोथ हैंड यानी कि दोनों हाथों की जो बैक होती है उन दोनों को अच्छे से रब करना रगड़ कर साफ़ करना थर्ड स्टेप आता है इसमें इंटरफेस फिंगर्स एंड रब द हैंड टुगेदर यानी कि फिंगर्स को इंटरकोर्स करके यानी कि जो है क्रॉस बना करके फिंगर में उनको रब करके फिंगर्स को क्लीन करना स्टेप फोर में आता है इंटरलॉक फिंगर्स एंड रब द बैक ऑफ द फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा फिंगर्स को लॉक करना है यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ से फिंगर्स को लॉक करना है और फिंगर्स uh, की बैक को रब करके क्लीन करना है तो यहाँ पर इस स्टेप का क्या uh, काम हो रहा है यहाँ पर जो फिंगर्स हैं उनकी बैक को रब करके साफ किया जा रहा है स्टेप फिफ्थ में आ जाते हैं रब थम इन द रोटेटिंग मैनर फ्लॉट बाय द एरिया बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थम तो अब बारी आती है थम को रब करने की बिकॉज थम जो है आपने हर जगह देखा होगा सेपरेट है वो बिल्कुल भी जो है कंबाइन होकर के क्लीन नहीं हो रहा है और अब फिफ्थ स्टेप में क्या है सिर्फ थम को रब किया जा रहा है यानी कि पूरे एक हाथ एक से फिंगर को दूसरे हाथ के थम को लेकर के उसको रोटेट करके उसको क्लीन किया जाता है स्टेप सिक्स में आता है रब फिंगर टिप ऑफ दम फॉर द बोथ हैंड यानी कि पहले एक हाथ से दूसरे दूसरे हाथ की जो फिंगर टिप्स होती हैं उनको हथेली के बीच में रख कर उसको रोटेट करते हुए उसको क्लीन करना है यानी कि जो उंगलियों की फिंगर टिप्स होती हैं ऊपरी जो उंगलियों की ऊपरी जो सतह होती है फिंगर टिप्स होती हैं उनको क्लीन करना एंड लास्ट स्टेप आता है हमारा रब बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर रिंस एंड ड्राई चोल यानी कि लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा जो हमारी जो क्लाई होती है उसको साफ़ करना यानी कि रिस्ट को अच्छे से क्लीन करना रिस्ट तक हमारे जो है हैंड वॉश का जो स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं तो ये सभी स्टेप्स करने के बाद हमें क्या करना है हाथों को धोना है एंड उसके बाद उसको ड्राई करना है तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेवन स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक uh, है ये आपसे ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं और कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप सेवन स्टेप्स करके बताइए कि कौन से स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए और इनको लर्न भी कीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग